तो गुड मॉर्निंग, फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में। वेलकम इन मास्टरमाइंड। रोज की तरह कुछ आज भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। तो हम आज बात करेंगे लोन मोरेटोरियम के ऊपर, बात करेंगे लोन मोरेटोरियम 3.0, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत से आप लोग सभी को वेट होगा कि जो मोरेटोरियम 3.0 है वो कब से लागू हो रहा है, क्योंकि आपको सबको पता है सुप्रीम कोर्ट 2 तारीख को लास्ट डिसीजन देने वाली है। अपने सुप्रीम कोर्ट में 2 तारीख का इसका डिसीजन आने वाले है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी RBI की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है, कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जिससे ऐसा नहीं लगता है कि ये मोरेटोरियम आपको मिलेगा। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि RBI जो बोली है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया था कि जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लगने वाला है, ठीक है, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लगने वाला है, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज जो लगने वाला है वो माफ़ हो जाएगा। कितने तक आपको बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट बोला गया था दो करोड़ के नीचे का लोन, जो भी लोन है, कोई भी लोन हो, उसको आपको जो भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा है वो माफ़ हो जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और कंपनियों ने भी माना था। ये मतलब ये अपना जो गवर्नमेंट है उसने भी माना था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको माना था। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है कि आपको उसमें बता दूं कि आपको उसमें जो लो आपका जो लोन है क्या उसमें कवर होता है, क्या आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लोन माफ़ होता है, उस पर मैं पूरा इसमें बता देता हूँ कि क्या आपका लोन भी जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना है, जो कि बोला गया था कि दिवाली के पहले, मतलब 5 नवंबर के पहले ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब जो पैसे जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लिया गया था, डेबिट कार्ड का या पर्सनल लोन का या तो कोई भी लोन का हो, जैसे मतलब वो पैसे 5 नवंबर से पहले आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो वो पैसे आपके अकाउंट में आएंगे या नहीं आएंगे, इसी के बारे में पूरा मैं बता देता हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। और कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए पूरा आपको पूरी न्यूज़ यहाँ से मैं बता देता हूँ। लोन मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज सरकार सभी कर्जदारों को वापस करेगी, इसका ऐलान सरकार खुद कर चुकी है। दिवाली के पहले मतलब 5 नवंबर तक कर्जदारों के खाते में कैशबैक की रकम आ जाएगी। कैशबैक की रकम किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये तमाम तरह के सवाल अब भी लोगों के मन में है। तो सरकार ने इसके तस्वीर को इसके मन में साफ कर दिया। क्या बोला है सरकार ने वो भी सुन लीजिए। इन सभी सवालों के जवाब में वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पूछे जाने पर सवालों के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि कौन से लोग इस ब्याज के ब्याज में स्कीम दायरे में है और कौन से नहीं, उसके बारे में पूरा बता दिया है, तो आप इसमें सुन लीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वह 2 करोड़ रुपये तक का लोन पर ब्याज से ब्याज का भुगतान खुद करेगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी जानकारियां सामने आ रही है जिनसे मुताबिक 2 करोड़ रुपए तक के सभी लोन इस लोन में मोरेटोरियम राहत पैकेज का हिस्सा नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप भी यह जांच लें कि कैशबैक स्कीम फ़ायदा आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो देख लेते हैं कि आपको ये मिलने वाला है कि नहीं, आप थोड़ा सुन लीजिए। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी सवाल जवाब में सेट में बताया गया कि आपने फिक्स डिपॉजिट मतलब FD की बात कर रहा हूँ और शेयर्स बॉन्ड्स के बदले लोन लिया है, तो इस ब्याज पे माफ़ी स्कीम का फ़ायदा यह कर्ज सरकार की राहत की स्कीम से बाहर है। इसके अलावा यह स्कीम फ़ायदा उन लोगों को भी नहीं मिलेगा जिनका लोन अकाउंट 31 मार्च के पहले से ही NPA चल रहे होंगे, ठीक है। अब किसको मिलेगी, किसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता देता हूँ। कैशबैक के लिए अप्लाई कौन से लोग नहीं कर सकते हैं, देखिए सरकार ने लोगों के लिए 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2031 तक लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था। इस अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज कैशबैक का फ़ायदा मिलेगा। इन 6 महीनों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक के लोन का यह राहत मिलेगी। अगर किसी ने इस लोन मोरेटोरियम का फ़ायदा नहीं लिया है, यानी लोन की EMI चुकाते रहे हैं, उसको ब्याज और ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो फ़र्क होगा वह कैशबैक के रूप में मिलेगा। यह पैसा बैंक आपके आधार पर गणना करके आपके खाते में डाल देगा। इसके लिए किसी कर्जदार को अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आपको देख लीजिए आपका कौन सा लोन इसमें आता है। और इसमें आपको बता दूँ एक कृषि लोन भी है जो इसमें उसको बाहर रखा गया है। कृषि लोन को भी इसमें जो ब्याज के ऊपर ब्याज है उस पर इसमें बाहर रखा गया है। तो इस टाइप का लोन है जो इस स्कीम के बाहर रखा गया है। तो आपका देख लीजिए कौन सा लोन है, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।